मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू त्रिशूल डिफेंस एकेडमी। आज हम अपने इस वीडियो लेक्चर में ज्योग्राफी के अंतर्गत भारत के भौगोलिक स्वरूप के संदर्भ में भारत के उच्च पर्वतीय क्षेत्रों के संबंध में चर्चा करेंगे। चलिए बात करते हैं भारत का उच्च पर्वतीय क्षेत्र। भारत के उच्च पर्वतीय क्षेत्र को हिमालय के उच्च पर्वतीय क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। हिमालय का उच्च पर्वतीय क्षेत्र किसी समय एक उथला समुद्र हुआ करता था। अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के आपस में टकराने से भारत का निर्माण हुआ और तेथिस महासागर की धरातली स्थिति ऊपर उठने लगी और इसके ऊपर उठने से हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र का निर्माण हुआ और ये हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र अत्यंत विस्तृत और विश्व का सबसे ऊंचा पर्वतीय क्षेत्र माना जाता है। बात करें तो हिमालय की, अगर हम बात करते हैं तो हिमालय के वर्गीकरण के संदर्भ में सबसे पहले चर्चा होती है। हिमालय के वर्गीकरण की चर्चा करते समय हम ध्यान ये देते हैं कि हिमालय के वर्गीकरण को मुख्य रूप से दो वर्गों में बांटा जाता है। एक है पूर्वी हिमालय और दूसरा है पश्चिमी हिमालय। पूर्वी हिमालय जो है वो 88 डिग्री पूर्वी देशांतर के पूर्व में तीस्ता नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक विस्तारित एक पर्वतीय क्षेत्र है। इसमें विश्व की सर्वोच्च पर्वत चोटियां जैसे माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा स्थित हैं। इस क्षेत्र की औसतन ऊंचाई 6000 मीटर के आसपास पाई जाती है और इस क्षेत्र में विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटियां पाई जाती हैं। यह क्षेत्र सर्वदा बर्फ से ढका रहता है और दक्षिण मध्य एशिया से आने वाली सूखी और ठंडी हवाओं से भारत की उष्ण जलवायु की रक्षा करता है। बात करें पश्चिमी हिमालय की तो पश्चिमी हिमालय 80 डिग्री पूर्वी देशांतर के पश्चिम में सिंधु नदी से लेकर काली नदी के बीच का क्षेत्र है। यह हिमालय का एक ऐसा क्षेत्र है जो पूर्वी हिमालय की अपेक्षा समतल धरातल के स्थिति पर पाया जाता है। इस क्षेत्र में जम्मू कश्मीर, धौलाधार, जास्कर, पीर पंजाल, कराकोरम, लद्दाख और कराकोरम के उच्च पर्वतीय क्षेत्र पाए जाते हैं। इस क्षेत्र में जोजीला दर्रा, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित दर्रा माना जाता है, ये दर्रा विश्व का भारत का सबसे उच्च स्तर पर पाया जाने वाला दर्रा है। अब हम बात करें अगर हिमालय की प्रमुख शाखाओं की। अभी तक हमने हिमालय का वर्गीकरण देखा। हिमालय के वर्गीकरण को हमने पूर्वी और पश्चिमी दो भागों में बांटा। अब हम हिमालय की शाखाओं की अगर बात करते हैं तो हम देखते हैं कि हिमालय की दो प्रकार की शाखाएं हैं जिन्हें उत्तर पूर्वी शाखा और उत्तर पश्चिम शाखा के नाम से जाना जाता है। उत्तर पूर्वी शाखा जो कि ब्रह्मपुत्र नदी को पार करके दक्षिण पश्चिम में विस्तारित है। ब्रह्मपुत्र नदी को पार करने के बाद दक्षिण पश्चिम में विस्तारित जो हिमालय का निचली ढलान का क्षेत्र है, इसे हम उत्तर पूर्वी शाखा कहते हैं। ये हिमालय की सबसे पूर्वी शाखा है जो कि भारत और म्यांमार के बीच में अंतर्राष्ट्रीय सीमा का भी निर्माण करती है। म्यांमार जो कि कभी भारत का हिस्सा हुआ करता था और 1935 में अंग्रेज़ों ने भारत शासन अधिनियम
1935 के अंतर्गत इस क्षेत्र को यानी म्यांमार के क्षेत्र को भारत से अलग करके एक नवीन देश के रूप में स्थापित किया। और हिमालय की यही उत्तर पूर्वी शाखा जो कि भारत और म्यांमार के बीच में अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्माण करती है। बात करें, अब हम बात करते हैं भारत के उत्तर पश्चिमी शाखाओं की। भारत की उत्तर पश्चिमी शाखाओं में सिंधु नदी के पार उत्तर पूर्व से लेकर दक्षिण पश्चिम तक विस्तारित हिमालय की विस्तृत पर्वत श्रृंखलाएं आती हैं। अगर हम बात करें उत्तर पश्चिमी शाखाओं की, तो उत्तर पश्चिमी शाखाओं के अंतर्गत हजारा, सुलेमान, बुगती, किरथर और मेकसन की श्रेणियां पाई जाती हैं। हजारा जो कि एक अफगानिस्तान से लगा हुआ क्षेत्र माना जाता है और अफगानिस्तान की पहाड़ी ढलानों पर होता हुआ ये आगे को निकल गया है। बात करते हैं सिंधु नदी। सिंधु नदी जो कि भारत से होकर बहने वाली एक ऐसी नदी है जिसका उद्गम हिमालय के मानसरोवर पर्वतीय क्षेत्र से हुआ है। अब हम बात करते हैं हिमालय के उच्चावच वर्गीकरण की। तो हिमालय के उच्चावच वर्गीकरण को ध्यान में रखते हुए हम हिमालय के उच्चावच वर्गीकरण के अंतर्गत हिमालय को तीन प्रमुख इकाइयों में बांटते हैं। हिमालय का जो विस्तृत धरातलीय प्रदेश है उस धरातलीय प्रदेश को हम महान हिमालय, मध्यम हिमालय और शिवालिक पर्वत श्रेणियों के रूप में विभाजित करते हैं। महान हिमालय हिमालय का सबसे उच्च पर्वतीय क्षेत्र माना जाता है। हिमालय का यह पर्वतीय क्षेत्र अत्यंत निर्जन, दुर्गम और जोखिम से भरा हुआ है। यहाँ पर सीधी ढलान की पहाड़ियाँ पाई जाती हैं और पहाड़ियों के अंतर्गत दुर्गम घाटियों का भी विस्तार देखने को हमें मिलता है। इस महान हिमालय क्षेत्र की औसत ऊंचाई 6000 मीटर है और इसकी औसत चौड़ाई 25 किलोमीटर के आसपास जाकर के बनती है। इस पर्वतीय क्षेत्र में विश्व की सबसे उच्च स्तर पर पाई जाने वाली सबसे ऊंची पर्वत श्रेणियां पाई जाती हैं, जिनमें एवरेस्ट है, एवरेस्ट जिसकी माउंट एवरेस्ट जिसे नेपाल में सागरमाथा के नाम से जाना जाता है और पुराणों में ऐसा उल्लेख है कि समुद्र मंथन के समय इसी सागरमाथा या इसी माउंट एवरेस्ट को मथानी के रूप में प्रयोग किया गया था। माउंट एवरेस्ट जिसकी पूर्व में ऊंचाई 8848 मीटर थी, वर्तमान में इसकी ऊंचाई 8850 मीटर मानी गई है और यह ऊंचाई धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। इसका कारण है कि भारत का जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र है या नेपाल का जो तराई का इलाका है वो धीरे धीरे भारतीय प्लेट में समाहित हो रहा है और ये भारतीय प्लेट धीरे धीरे हिमालय के उच्च पर्वतीय क्षेत्र का हिस्सा बनती जा रही है और भविष्य में हिमालय के इस क्षेत्र की ऊंचाई और भी बढ़ने की आशंका व्यक्त की गई है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट जो कि 8850 मीटर ऊंचा है इस महान हिमालय का एक भाग माना जाता है। बात करते हैं हिमालय के दूसरे पर्वत शिखर की जो कि सर्वोच्च पर्वत शिखर है। इसकी ऊंचाई 8598 मीटर है और यह पर्वत शिखर कंचनजंगा के नाम से जाना जाता है। कंचनजंगा भारत और नेपाल का एक पर्वत शिखर माना जाता है, भारत और नेपाल के बीच में सीमा रेखा का निर्धारण करता है। बात करें मकालू की, मकालू हिमालय क्षेत्र की तीसरी सबसे ऊंची
पर्वत चोटी मानी जाती है, जिसकी ऊंचाई 8481 मीटर है। और मकालू के बाद जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है महान हिमालय की, उसका नाम है नागा पर्वत। नागा पर्वत की ऊंचाई 8126 मीटर है। इसके पहले धौलागिरी, धौलागिरी 8172 मीटर ऊंचा पर्वत शिखर है, जो कि महान हिमालय का ही एक अंग माना जाता है। बात करें अन्नपूर्णा की, तो अन्नपूर्णा की ऊंचाई 8078 मीटर है। इसके बाद नंदा देवी का नंबर आता है, नंदा देवी की ऊंचाई 7817 मीटर है। और नामचा बरवा 7756 मीटर की ऊंचाई के साथ महान हिमालय का हिस्सा बनता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि महान हिमालय भारत ही नहीं बल्कि विश्व के सर्वोच्च पर्वत शिखर का अंग है, और विश्व की सर्वोच्च पर्वत चोटियाँ इसी महान हिमालय में पाई जाती हैं। बात करें हिमालय के दूसरे भाग की, यानी कि हिमालय का वह भाग जो कि महान हिमालय से निचले क्रम में आता है। महान हिमालय से तो छोटा है, लेकिन हिमालय के सबसे निचले स्थान से ऊंचा है, यानी इसे बीच के स्तर पर रखा जाता है, और इसीलिए इसे मध्यम हिमालय की संज्ञा दी जाती है। मध्यम हिमालय महान हिमालय के दक्षिण में लगभग पूर्व से पश्चिम दिशा में विस्तारित है, और इसकी औसत ऊंचाई 3700 मीटर से लेकर अधिकतम 4500 मीटर के बीच पाई जाती है। और अगर मध्यम हिमालय की चौड़ाई की बात करें तो यह क्षेत्र महान हिमालय से अधिक चौड़ा है। चूंकि इसकी ऊंचाई कम है, इसलिए इसकी औसत चौड़ाई बढ़ जाती है। जहां महान हिमालय की चौड़ाई 25 किलोमीटर पाई जाती है, वहीं मध्यम हिमालय की औसत चौड़ाई 80 किलोमीटर तक विस्तारित हो जाती है। मध्यम हिमालय को हम मुख्य रूप से दो प्रमुख शाखाओं में बांटते हैं, जिन्हें पीर पंजाल और धौलाधार की शाखाओं के नाम से जाना जाता है। पीर पंजाल की शाखाएं अफगानिस्तान और पाकिस्तान के क्षेत्रों में विस्तारित हैं। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में पीर पंजाल की श्रेणियां पाई जाती हैं, और धौलाधार भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित एक प्रमुख पर्वत चोटी के रूप में देखा जाता है। बात करें अगर मध्यम हिमालय के बीच स्थित प्रमुख रमणीय स्थलों की, तो महान हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में कश्मीर और काठमांडू घाटी पाई जाती है। ये उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में स्थित रमणीय स्थल हैं, जो कि वर्षा और बर्फ दोनों के रूप में आच्छादित होते हैं। कश्मीर में कहीं कहीं वर्षा देखने को मिलती है, जबकि लद्दाख क्षेत्र कश्मीर का एक ऐसा क्षेत्र है जहां कभी भी वर्षा नहीं होती, बल्कि वर्षा के रूप में केवल बर्फबारी होती है। इसीलिए लद्दाख को ठंडे रेगिस्तान की संज्ञा दी जाती है। अगर बात करें काठमांडू घाटी की, तो काठमांडू घाटी मध्यम हिमालय का ही एक अंग है। मध्यम हिमालय का अंग होने के कारण काठमांडू घाटी पर्यटन की दृष्टि से एक रमणीय स्थल माना जाता है। इसके अलावा मध्यम हिमालय के दक्षिणी ढलान पर शिमला, मसूरी, नैनीताल, डलहौजी और दार्जिलिंग जैसी रमणीय पर्वतीय क्षेत्रों की घाटियां पाई जाती हैं, और इन घाटियों में सबसे प्रमुख बात यह है कि नैनीताल भारत के सबसे पुराने राष्ट्रीय पार्क या टाइगर रिजर्व के रूप में जाना जाता है। जिम कार्बेट नेशनल पार्क, जो कि उत्तराखंड के नैनीताल जनपद में स्थित है, वह भारत का सबसे पुराना टाइगर प्रोजेक्ट और सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क माना जाता है। इसके बाद
हम बात करते हैं शिवालिक श्रेणी की। शिवालिक श्रेणी हिमालय का वह भाग है जो कि हिमालय का सबसे निचला हिस्सा माना जाता है। इसकी ऊंचाई महान हिमालय और मध्यम हिमालय की तुलना में सबसे कम पाई जाती है। बात करें शिवालिक श्रेणी की तो लघु हिमालय या मध्यम हिमालय के दक्षिण में लगभग समानांतर पूर्व से पश्चिम में विस्तारित शिवालिक श्रेणी ऊबड़ खाबड़ धरातलीय स्थल से युक्त एक पर्वतीय प्रदेश है जो कि पर्वतीय प्रदेश न होकर के मुख्य रूप से पहाड़ी और पठारी प्रदेश के रूप में जाना जाता है। और यहाँ की औसत ऊंचाई न्यूनतम 900 मीटर से लेकर अधिकतम 1200 मीटर के आसपास पाई जाती है। बात करें अगर इस क्षेत्र की चौड़ाई की तो शिवालिक श्रेणी की चौड़ाई कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। इसकी चौड़ाई औसत कम से कम 10 किलोमीटर से लेकर अधिकतम 50 किलोमीटर के बीच पाई जाती है। शिवालिक श्रेणी की सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि यहाँ पर पाई जाने वाली घाटियों को दून घाटियों की संज्ञा दी जाती है। ये दून घाटियाँ देहरादून, पतली दून और कोंठी दून के नाम से जानी जाती हैं। देहरादून उत्तराखंड की राजनीतिक राजधानी माना जाता है और यह एक ऐसा रमणीक पर्वतीय स्थल है जहाँ पर बारहों महीने एक सा मौसम पाया जाता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि हिमालय का जो उच्चावच वर्गीकरण है वो महान हिमालय, मध्यम हिमालय और शिवालिक हिमालय के रूप में पाया जाता है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।